देखेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजल के दामों में चौथे दिन कमी लगातार हुई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, डीजल के दामों में लगातार चौथे दिन कमी। डीजल प्रति लीटर 21 पैसे सस्ता हुआ है। आपको बता दें कि 21 पैसे सस्ता हुआ है चौथा दिन, जहां लगातार दाम कम हुए हैं। 98.39 रुपए पर डीजल आ गया है। 15 अप्रैल के बाद चौथी बार डीजल के दाम घटे हैं। आज तो पेट्रोल के दामों की अगर बात करें तो 18 जुलाई से कोई बदलाव इनमें नहीं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी बीके शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीके, चौथी बार डीजल के दामों में गिरावट हुई है, क्या कहेंगे, क्या अपडेट? जैसे ये गिरावट तो हुई है और लगभग 4 दिन में 83 पैसे के आसपास डीजल सस्ता हुआ है जी। लेकिन जिस रेशो में ये दाम बढ़े थे उसकी तुलना में ये कटौती बेहद कम है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी हाल ही में जो एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम बढ़ाए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर और जो डोमेस्टिक सिलेंडर है दोनों के ही दाम बढ़ाए गए हैं और काफी ज्यादा। मैं क्योंकि आप देखेंगे कि कमर्शियल सिलेंडर में तो 72 रुपए 50 पैसे के करीब बढ़ाए थे और इसमें भी 25 रुपए, जो घरेलू सिलेंडर है उसमें 25 रुपए बढ़ाए थे। तो इस 100 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए और अब इन्होंने डीजल पे किया है। और डीजल का असर होता है उपभोक्ता के ऊपर, लेकिन पेट्रोल के दाम भी इसमें घटने चाहिए और इसकी मात्रा थोड़ा सा अगर ये ज्यादा हो। यदि ये जो अमाउंट है 21 पैसे घटाए जा रहे हैं इसकी तुलना में, यदि ज्यादा घटाया जाए तो उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब देखना है ये सिलसिला भी कब तक चलता है और सरकार की आगे क्या पॉलिसी रहती है इस मामले में, इस पर नजर रहेगी। लेकिन पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम घटाने चाहिए जी। तब उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ये सरकार की जो नीति है वो समझ से परे है। जयती जी, चलिए बहुत शुक्रिया अभी के तमाम अपडेट के लिए।